नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएससी मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है, आपकी जो 11 बजे क्लास है ये चल रही है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। इसमें हम अब तक जितने भी आपके जो आपके कह सकते हैं जितने भी अब तक एग्जाम हो चुके हैं, उन सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जिनमें अधिकतर क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के, या मैं ये कहूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके पिछले 3 वर्ष के जो CGL, CHSL और MTS के हैं उन्हीं के हैं। क्योंकि आपने एक ये ट्रेंड नोटिस किया होगा इसमें अभी जो एनालिसिस हुआ है या जो अभी एग्जाम हो रहे हैं इसमें, और वो ये कि जो क्वेश्चंस है वो पिछले 3 साल के एज इट इज रिपीट हो रहे हैं। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन हम यहाँ कर पाएंगे उतना बेहतर जो है हमारे लिए रहेगा, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं, अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको होती है तो आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है आपका कि 1992 के 74वें संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया भाग फिल इन द ब्लैंक्स जोड़ा। द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 एडेड अ न्यू पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक 74वें संविधान संशोधन द्वारा नया भाग जोड़ा गया था, उस भाग का नाम क्या है यह आपसे पूछा गया। क्या हो जाएगा, यह है आपका 9A, और यह किसके बारे में बात करता है, यह बात करता है नगर पंचायत के बारे में। किसके बारे में, यह बात करता है आपके नगर पंचायत के बारे में। अगर क्वेश्चन होता कि 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संशोधन द्वारा कौन सा जोड़ा गया है, तो यह जोड़ा गया है भाग 9, और यह क्या है, यह हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत। क्या यह बताता है किसके बारे में, यह बताता है आपका ग्राम पंचायत के बारे में। यह याद रखिएगा, पंचायत के बारे में जो जिक्र है यह है आपका 243 से लेके 243O तक, ठीक है। नगर पंचायत के बारे में बात की जाए तो यह है आपका 243P से लेके 243, कई बार आपसे आर्टिकल भी पूछ लेता है ZG तक, ठीक। तो यह याद रखिएगा। अगर बात की जाए आपके भाग 10 की तो ये SC और ST से संबंधित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में बात करता है, और ऐसे में अगर पूछा जाए कि इनके बीच जो, या आपका पूछा जाए कि किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में ये है, तो याद रखिएगा ये है आपका 240, एक मिनट रुकिएगा, किससे, ये है आपका 244 से 248 के समथिंग में कुछ है, ठीक है। 244 से 244A तक ये है, ये याद रखिएगा। भाग 8 क्या है, तो भाग 8 है आपका केंद्र शासित प्रदेश। क्या है, ये हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश, यह है आर्टिकल 239 से 242 के बीच, किसके 239 से 242 के बीच यह है, तो यह याद रखिएगा। भारत के संविधान के फिल इन द ब्लैंक संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा GST यानी कि वस्तु एवं सेवा कर जो है यह लागू किया गया है, बता दो जरा किसके द्वारा लागू किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं GST की, GST लागू हुआ है आपके 2017 में, पहला स्टेट भारत में जिसने इसे लागू किया था वो किया है 2016 में, और नाम है उसका आसाम, ठीक है। अच्छा, बात की जाए कि जो GST मॉडल है हमने जो लिया है, जो अपनाया है, वो कौन सा मॉडल है, वो है कैनेडियन, कौन सा मॉडल अपना है, कैनेडियन। सबसे पहला जो GST है ये 1954 में फ्रांस, मतलब पहला देश जिसने GST स्टार्ट किया है वो हो जाएगा आपका फ्रांस 1954 में, ये याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन था, ये था आपका 101वां, कौन सा 101वां। 104वां क्या है, ये SC ST की जो सीटें हैं, आरक्षण सीटें,
उन्हें 10 वर्ष और बढ़ा दिया गया है, यह याद रखिएगा, मतलब 70 से 80 वर्ष तक कर दिया गया है, यह याद रखना। 92 में के बारे में बात करूं तो यह 2003 में आया था और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना, इनके बारे में जिक्र है, यह याद रखिएगा। अगर मैं 98 की बात करूं तो इसके द्वारा जो है, याद रखिएगा, क्या किया गया है, इसके द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन, राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन जो है इसके द्वारा किया गया है, यह याद रखिएगा, ठीक है। भारत संविधान के 2003 के 91 में संशोधन अधिनियम के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के फ्रिंडा ब्लैंक से ज्यादा नहीं हो सकती, 15, 10, 20 और 25। अकॉर्डिंग टू द 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर डज नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट में बी, कितना हो सकता है ये, कितना हो सकता है, यह हो सकता है 15%, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो हो सकती है सिर्फ 15%, ठीक है। जो भी ये दोनों के लिए था, लोकसभा और विधानमंडल, लोकसभा और विधान मंडल, इन दोनों के लिए यह प्रावधान किया गया था, जिसमें सीओएम जो है इसकी कितनी, 15% तक इसे सीमित किया गया है, यह याद रखना, ठीक। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के तहत चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी को अवैध बना दिया जाता है, कहने का मतलब है जैसे मान लो आप एक पार्टी से आपने चुनाव लड़ा और उस पार्टी से जीत गए, बाद में आप दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं पद सहित, तो नहीं जा सकते, है ना, ये क्या कर दिया, इसके दूसरी पार्टी में जाना क्या कर दिया, अवैध कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन था वो, ये था 52वां संविधान संशोधन, कब हुआ था, ये हुआ था 1985 में, इसे बोलते हैं दल बदल कानून, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं दल बदल कानून, राजीव गांधी के समय में ये आया था, इसी के तहत एक नई अनुसूची जोड़ी गई थी और उस अनुसूची का नाम है 10, कौन सी, एक नई अनुसूची जोड़ी गई जिसका नाम है अनुसूची 10, याद रखिएगा। 86 2002 में आया है, शिक्षा से संबंधित है, यह आपका जो 61 है यह 1989 में आया है, यह वोट चुनाव देने की आयु से संबंधित है, याद रखना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा, इनमें से कौन सा यह अनुच्छेद कहता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, 152, 153, 151, 154, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच इंडियन स्टेट, हर एक स्टेट में एक गवर्नर होगा, यह किस आर्टिकल में कहा गया है, यह किस आर्टिकल में कहा गया है, यह कहा गया है आपका अनुच्छेद 153 में, किसमें कहा गया है, यह कहा गया है अनुच्छेद 153 में, यह याद रखिएगा। अनुच्छेद 152 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है, यह याद रखिएगा। 151 के बारे में बात की जाए तो इसमें क्या है, इसमें लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में बात की गई है, लेखा परीक्षा रिपोर्ट इसके बारे में बात की गई है। और 154 की अगर मैं बात करूं तो इसमें यह कहा गया है कि किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, यह आर्टिकल 154 में कहा गया है, किसमें, आर्टिकल 154 में यह कहा गया है, ठीक। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को
राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। इनमें से कौन सा एक है जिसके मतलब कौन सा एक अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है अगर कोई स्टेट उसमें अगर धन विधेयक आता है तो यह धन विधेयक सिर्फ विधानमंडल में होगा और विधानमंडल से ही पास होगा। ऐसा नहीं है कि जो धन विधेयक है इसे आप विधान परिषद में ले जाकर पेश कर दें या वहां पर इंट्रोड्यूस कर दें, ऐसा नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा इनका कहना है। किस आर्टिकल के तहत ऐसा कहना है तो याद रखिएगा, ऐसा कहना है आर्टिकल 109 के तहत। किसके तहत? 109 के तहत ऐसा कहना है, तो यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा यह आर्टिकल, इंपॉर्टेंट है यह भी आपसे पूछेगा। आगे, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार, इनमें से भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यपालक की शक्ति, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और प्रदर्शन के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। यह किस आर्टिकल में कहा गया है? इनने कहा है कौन सा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो या कह सकते हैं राज्य प्रमुख हो, ये अपने कार्यकाल में रहते हुए अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसका बाद में दुष्परिणाम आता है तो उसके लिए ये जिम्मेदार नहीं होंगे, ये याद रखना, या उसके लिए ये जो है किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे, ये याद रखना, क्योंकि ये उस समय कार्यालय में थे और उस समय इन्हें जो भी उचित लगा वो इन्होंने किया था। ठीक, किस आर्टिकल में यह कहा गया है? यह है आपका आर्टिकल 361। क्या है? 361, इसी के नजदीक है आपका, आपका देखो एक याद रखना, ये क्या है, यह है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। एक हो जाएगा आपका 356, यह है आपका राज्य आपातकाल। ठीक है, एक है आपका 360, यह है आपका वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आगे, भारत के संविधान के लिए किस अनुच्छेद में निम्न वर्णन, इनमें से जो नीचे आपके ब्रैकेट में दिया गया है या मैं कहूं इन्वर्टेड कॉमास में दिया गया है, इनमें से किस आर्टिकल के लिए सही है? राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेंगे। यह किसमें कहा गया है यह आपसे पूछ रहा है, क्वेश्चन है आपका 8। क्या है? क्वेश्चन है आपका 8, आपसे पूछ रहा है कि यह किसमें कहा गया है, कौन सा आर्टिकल है जो इसे बताता है, बताओ, जिसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति को सलाह कौन देगा? मंत्रिपरिषद। ठीक है, और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करेगा। यह कहा गया है आपके आर्टिकल 74(1) में। किसमें कहा गया है? यह कहा गया है 74(1) में, यह याद रखिएगा। आगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बंगाल में 1876 में किसकी स्थापना की थी? बंगाल एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, तथागत एसोसिएशन और ओरिएंटल एसोसिएशन। सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस फाउंडेड फिल इन द ब्लैंक्स इन 1876 इन बंगाल। इन्होंने किसकी जो है स्थापना की थी? इन्होंने स्थापना की थी इंडियन ओशियन की एसोसिएशन की। किसकी? इंडियन एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी, तो यह याद रखिएगा। अच्छा, अगर बात की जाए सुरेंद्रनाथ बनर्जी की तो याद रखिएगा इन्होंने 1919 ईस्वी में इंडियन नेशनल लिबरेशन, इंडियन नेशनल लिबरेशन, इसकी स्थापना इन्होंने की थी, तो यह याद रखिएगा। ठीक है, आगे, सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ सारागढ़ी फाउट। सारागढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई, यह आपसे पूछ रहा है। अगर एक्चुअल में पूछा जाए कि यह कब, या डेट पूछी जाए कि कब लड़ी गई है, तो यह लड़ी गई है 12 सितंबर 1897 को। 12 सितंबर 1897 को लगभग 10,000 अफगान वर्सेस 21 सिख, लगभग
10,000 अफगान वर्सेस 21 सिख जो है इसमें थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ है जिसमें लड़ाई जब खत्म हुई और जो 21 सिख थे ये जब इनकी डेथ हो गई तब तक ये लगभग 1100-1200 अफगानों को मार चुके थे। ठीक, बैसाखी दिवस 1919 पर लोगों के जमावड़े पर फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इनमें से किसने जो है उस जमावड़े पर फायरिंग करने का आदेश दिया था? लॉर्ड वेलेसली, जनरल डायर, लॉर्ड कार्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स। द फायरिंग ऑर्डर इशूड बाय फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द गैदरिंग ऑफ पीपल ऑन बैसाखी डे 1990 बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। यह हुआ है 13 अप्रैल 1919 को। कब? 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ है, यह आपको याद रखना है। याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि जनरल डायर। क्या हुआ था? इसका जो सही जवाब हो जाएगा यह हो जाएगा जनरल डायर, उसी के कहने पर जो है यह फायरिंग की गई थी, तो यह याद रखना। ठीक है, अगला है, प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी के द्वारा निम्न में से किसकी हत्या की गई थी? अफजल खां, असगर खां, शाइस्ता खां या सुजा खां? हु अमोंग द फॉलोइंग वाज किल्ड बाय छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़? ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ए, अफजल खां। और अगर बात करूंगा अफजल खां की, तो ये किसका जनरल था? आदिल शाह या आदिल शाही जो वंश था इसका जनरल था। ये आपको रखना। हुआ यह था कि शिवाजी महाराज और अफजल खां इन दोनों के बीच में मीटिंग होनी थी और यह तय किया गया था कि कोई भी हथियार वगैरह लेकर नहीं आएगा, निहत्या आएगा। ठीक है, तो और इसके बारे में तो अफवाह थी कि ये अपने कही हुई बात का मान रखता नहीं है। शिवाजी महाराज इस बात को जानते थे, तो वो भी अपने साथ अपना प्रबंध करके ले गए। इससे मिले, इसने बदतमीजी की, उन्होंने इसको खोल दिया, है ना। ठीक है, कहां पर? प्रतापगढ़ के युद्ध में। कब हुआ था यह प्रतापगढ़ का युद्ध? यह हुआ था आपका 10 नवंबर 1659 को। कब? 10 नवंबर 1659 को। यह बदतमीजी नहीं करता तो खुलता भी नहीं। ठीक, आगे, बर्थ फिल इन द ब्लैंक्स में तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति एवं मराठों द्वारा अंग्रेजों के समक्ष समर्पण के साथ ही मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया 1792, 1811, 1818 और 1806। इन द एंड ऑफ द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर एंड द सरेंडर ऑफ द मराठा टू द ब्रिटिश इन द ईयर फिल इन द ब्लैंक्स द मराठा एम्पायर सीज्ड टू एग्जिट। मतलब कहने का मतलब एग्जिस्ट, कहने का मतलब यह है, यह एक निर्णायक युद्ध था अंग्रेजों और मराठों के बीच जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई। ठीक है, यह युद्ध हुआ कब था आपसे यह पूछ रहा है, यह जो युद्ध है यह कब हुआ है? यह हुआ है 1818 को। 1818-1819 का यह युद्ध कब? 1818 को यह युद्ध हुआ है, यह याद रखना। आगे, मुगल शासकों का निम्न में से कौन सा क्रम गलत है? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, अकबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। यहां पर पूछा है कौन सा क्रम गलत है, कौन सा क्रम गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ मुगल रूलर इज रॉन्ग? देखो, नींव रखने वाला कौन था? बाबर था। बाबर का पुत्र था हुमायूं, भारत की बात कर रहे हैं। हुमायूं का पुत्र हुआ है अकबर, अकबर का पुत्र हुआ है जहांगीर, जहांगीर का पुत्र कौन हुआ है? तो याद रखिएगा यह हुआ है शाहजहां। शाहजहां का पुत्र कौन हुआ है? तो इसका पुत्र हुआ है औरंगजेब। क्या हुआ? औरंगजेब। जहांगीर के बाद शाहजहां है, शाहजहां के बाद औरंगजेब है, सही है। अकबर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जहांगीर, यह गलत है। बाबर, हुमायूं, अकबर, यह ठीक है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, यह सही है। जो सही जवाब है आपका ये हो जाएगा बी, है ना। कब जो है मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था? 1526 में। समाप्त हुआ है ये 1526 में ये स्टार्ट हुआ था और 1858 में ये समाप्त हो गया था, ये याद रखना। आगे, एक स्तंभ जिस पर तीन अलग अलग कालखंडों अर्थात मौर्य काल का जिस पर उल्लेख है, गुप्त काल का उल्लेख है और मुगल काल के लेख जो है वो उत्कीर्ण किए गए हैं, ये कहां पर स्थित, कहां पर यह स्थित है? लौरिया, नंदनगढ़, टोपरा, इलाहाबाद यानी प्रयागराज और रुमंदई। अपलर विच हैज इंक्रिप्शंस फ्रॉम द फ्रॉम थ्री डिफरेंट पीरियड्स विद मौर्य पीरियड, गुप्ता और मुगल पीरियड इज सिचुएटेड इन। कहां पर है
ये है अशोक का बनाया हुआ स्तंभ जो है आपका प्रयागराज में, इस पे अशोक के जो लेख है ये खुदे हैं। इसके बाद प्रयाग प्रशस्ति इसी पर खुदी है जो कि समुद्रगुप्त से संबंधित है, जो कि गुप्त काल का था। इसके बाद जहांगीर के बारे में इसको पर खुदा है, और बीरबल का भी उल्लेख इस पर मिलता है। जो बीरबल था इसका उल्लेख भी जो है इस पर देखने को मिलता है, ये याद रखिएगा। ठीक, आगे दिल्ली सल्तनत के राज्य एवं प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? जो दिल्ली सल्तनत का राज्य था, जो प्रशासन था, उसमें जो मुक्ति शब्द है इसका क्या अर्थ था? ग्राम पंचायत का प्रमुख, एकता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक, ग्रामीण समुदाय का प्रमुख, जिला स्तर पर न्यायिक अधिकारी। विद रेफरेंस टू द स्टेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत द टर्म मुक्ति मीन्स, इसका क्या अर्थ था? इसका अर्थ है एकता कहे जाने वाले भू अनुदान का धारक, मतलब जो व्यक्ति जिसके लिए भूमि आवंटित की गई है, जिससे कि वो उसका कर वगैरह ले वेतन के रूप में, उसे मुक्ति कहा जाता था। क्या कहते थे? मुक्ति। भारत में चारबाग शैली के स्थापत्य की शुरुआत किसने की? चारबाग शैली जो है इसकी शुरुआत भारत में की थी मुगल ने। मुगल में इसे इंट्रोड्यूस किया था भारत में बाबर ने। किसने? बाबर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। आशीष सांकृतायन फ्रिंदाब्लैंक संगीत के प्रतिपादक हैं, ओडिसी, ध्रुपद, ठुमरी या कजरी। आशीष सांकृतायन इज द एक्सपोनेंट ऑफ फ्रिंदाब्लैंक म्यूजिक। किसके हैं? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा ध्रुपद के। किसके हैं? ये हैं ध्रुपद के, ये याद रखना। आगे 20वीं शताब्दी में ओडिसी के शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में निम्नलिखित में से किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृतक का अहम योगदान है? 20वीं सदी में ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार भी, जिसे पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया है? बताओ जरा कौन हो जाएगा? सुरेंद्रनाथ जेना, गंगाधर प्रधान, हरे कृष्ण बेहरा और केलुचरण महापात्रा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है, आगे फिर से पूछ सकता है। नाम है केलुचरण महापात्रा, ओडिसी से यह संबंधित है, यह आपको याद रखना। याद रखिएगा 1992 में, कब? 1992 में याद रखिएगा, रखिएगा इन्होंने जो है सृजन विद्यालय या सृजन स्कूल ओपन किया है। किसके लिए? ओडिसी नृत्य के लिए। किसके लिए? ओडिसी जो डांस है, जो क्लासिकल डांस है, इसको सिखाने के लिए इन्होंने अपने बेटे और पत्नी के साथ 1993 में सृजन नृत्य स्कूल ओपन किया था, यह याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति, जयप्रभा मेनन, प्रेरणा श्रीमाली और वैजयंती काशी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द मोहिनीअट्टम? मोहिनीअट्टम कहां का है? तो याद रखिएगा यह केरला का नृत्य। भरतनाट्यम पूछे कहां का है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहां है? यह है तमिलनाडु। ठीक है, यह याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं यामिनी जो है यह किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। यह भी एक क्लासिकल डांस है। ठीक है, कुचिपुड़ी के अलावा याद रखिएगा यह भरतनाट्यम से संबंधित है। कुचिपुड़ी के अलावा भरतनाट्यम से संबंधित है। जया प्रभा मेनन की अगर मैं बात करूं तो यह मोहिनीअट्टम से संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा अगर प्रेरणा श्रीमाली की अगर मैं बात करता हूं तो ये कथक से संबंधित है। किससे? कथक जो नृत्य है इससे ये संबंधित है। वैजयंती काशी की अगर बात की जाए तो याद रखिएगा जो वैजयंती काशी है ये कुचिपुड़ी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये संबंधित है कुचिपुड़ी से, तो ये याद रखिएगा। आगे निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय सृजन की स्थापना की थी? अभी अभी मैंने बताया था केलुचरण महापात्रा 1993 में। ये क्या थे? ये ओडिसी नृतक थे। अच्छा, अगर आपसे एग्जाम में ओडिसी नृतकों के बारे में पूछ ले तो ओडिसी नृतकों के लिए मैंने वीडियो डाल ही रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। फिर भी मैं यहां पर एक बार रिपीट कर देता हूं कौन कौन से नृतक हैं जो इससे संबंधित हैं। तो याद रखिएगा इनमें से एक है आपके, देखो कुमकुम मोहिंती है, ठीक है, रतिकांत है और माधवी मुद्गल है। ये तीनों, या मैं यहां पर ये लिख दूं, ये सभी जो हैं ये ओडिसी क्लासिकल डांसर है ना, ओडिसी क्लासिकल डांसर हैं ये, तो ये याद रखना। मैतराम रियांग यानी सतराम को किस लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? इनमें से
कौन सा एक लोक नृत्य है जिसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? होजागिरी, गोसादी, सत्रिया और बिहू। मैत्यराम रियांग सत्यराम बाज अवॉर्डेड द पद्मश्री फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ब्रिज फोक डांस। कौन से फोक डांस में कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो है इन्हें जाना जाता है? यह जाना जाता है होजगिरी से। होजगिरी जो है ये कहां पर है? ये त्रिपुरा का लोक नृत्य है और रियांग समुदाय, कौन सा जो रियांग समुदाय है ये इसे करता है, तो ये याद रखिएगा। अगर बात की जाए त्रिपुरा के और लोक नृत्यों की तो कौन कौन से और लोक नृत्य हैं इसके, तो याद रखिएगा एक आपको याद रखना है गरिया, एक याद रखिएगा झूम। क्या याद रखना है? गरिया आपको याद रखना है, आपको झूम याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको याद रखने हैं उनमें से नाम है एक आपका लेबांग, एक है मैं मेति, कौन सा एक आपको याद रखना है मैं मिति या मैति, मिति भी हो सकता है, ठीक है मैं मिति, ठीक और भी हो सकते हैं, ये याद रखना। ये लोक नृत्य हैं कहां के? त्रिपुरा के। कहां के हैं? त्रिपुरा के। बागु रुम्बा असम के बोडो समुदाय का एक फिलिंदा ब्लैंक्स है, स्थानीय खेल, लोक नृत्य, पेंटिंग शैली और औपचारिक जुलूस। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो बागु रुम्बा है ये असम का है लोक नृत्य। असम के और लोक नृत्य कौन से हैं? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका भोरताल, ओजपाली, भोरताल और ओजपाली ये लोक नृत्य हैं कहां के? तो याद रखना आसाम के। निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? इनमें से कौन सी लोक कला केरल की है और पारंपरिक है, प्राचीन है ना, पुराने समय की है, लगातार चली आ रही है? नाम क्या है इसका? इसका नाम है मार्गो मकली। क्या नाम है? इसका नाम है मार्गो मकली, ये याद रखिएगा। अगर मैं मंजरी की बात करता हूं तो याद रखिएगा जो, अच्छा मंजरी तो कहीं की है ही नहीं, फंड है आपके राजस्थान की, कहां की? राजस्थान की। पिथौरा जो है ये है गुजरात की। कहां की? पिथौरा जो है परंपरागत लोक कला ये गुजरात की है, फंड जो है ये आपके राजस्थान की है। 19वीं शताब्दी में फिलिंदा ब्लैंक्स के अंतिम नवाब बाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया, इनमें से कहां पर जो है जो कथक है इसको प्रमोट किया गया, कौन सी वह जगह है ये बताना। कौन सी जगह है जहां पर ये देखा गया है? ये है आपका अवध। कहां पर? बाजिद अली शाह अवध के ही नवाब थे, ठीक। सोनल मानसिंह एक भारतीय, एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो फिलिंदा ब्लैंक्स में विशेषज्ञता रखती है, बेसिकली इनमें से किस एक से या किन दो से जो है ये जुड़ी हुई है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से जुड़ी है, भरतनाट्यम और ओडिसी जुड़ी है, भरतनाट्यम और कथक से जुड़ी है, मणिपुरी और ओडिसी से जुड़ी है। सोनम मानसिंह इज अ लीडिंग इंडियन क्लासिकल डांसर हु स्पेशलाइजेस इन, किसमें इन्होंने जो है स्पेशलाइजेशन किया है? तो याद रखिएगा ये किया है भरतनाट्यम और ओडिसी में। किसमें? भरतनाट्यम और ओडिसी जो है इसमें ये प्रसिद्ध है, ये याद रखिएगा, इसमें ये आपका फेमस है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस्ताद आमिर खान, ध्यान से सुनो, पूछ रहा है उस्ताद आमिर खान जो है ये किस एक नृत्य से संबंधित है, ठीक है। जो उस्ताद आमिर खान है, और सॉरी ये किस एक घराने से संबंधित है, उस्ताद आमिर खान किस एक घराने से संबंधित है? ग्वालियर, इंदौर, मेहर और भोपाल, किस एक से ये संबंधित है? तो याद रखिएगा ये संबंधित है बी यानी कि इंदौर से। किससे ये संबंधित है? इंदौर से, ये याद रखना। पैतकर पेंटिंग फिलिंदा ब्लैंक्स के अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है। जो पैतकर पेंटिंग है इसके जो अद्वितीय सांस्कृतिक प्रतीक है वो कौन से हैं, ये आपको बताना, ठीक। झारखंड का है ये, छत्तीसगढ़ का है, तेलंगाना का है या कर्नाटक का है, कहां का है ये? तो याद रखिएगा ये है आपके झारखंड का। कहां का? ये है आपके झारखंड का, ये याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर प्रथम शीतकालीन पैरालंपिक खेल आयोजित किए गए थे? पहले शीतकालीन पैरालंपिक जो खेल है ये कहां आयोजित किए गए थे? ये हुए थे आपके
1976 में, जो पहली बार जो आयोजित हुए थे ये हुए थे 1976 में। कहां पर आयोजित किए गए थे तो याद रखिएगा, इटली में नहीं, कोरिया में नहीं, रूस में नहीं, स्वीडन में ये सबसे पहले जो है आयोजित किए गए हैं। वेयर वर द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स हेल्ड, ये कहां हुए हैं, ये स्वीडन में। मैग्नस कार्लसन किस खेल से जुड़े हैं, यह क्वेश्चन आपका पूछ लिया है, एज इट इज पूछा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पिछले तीन वर्ष के क्वेश्चंस को जरूर देखिए, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, या मैं ये कहूं कि उन्हीं से क्वेश्चन आपके बार बार पूछे जा रहे हैं। ये अगर मैं बात करूं किस देश के हैं तो याद रखिएगा नॉर्वे के ये हैं, तो ये आपको रखना है। और शतरंज से ये संबंधित है, किससे, शतरंज से जो है ये संबंधित है। पंकज आडवाणी ने कितनी बार IBSE विश्व बिलियर्ड चैंपियनशिप को जीता है, 24 बार, 21, 22 और 20। हाउ मेनी टाइम्स हैज पंकज आडवाणी वोन द IBSE वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप, टोटल कितनी बार इन्होंने जीता है, तो याद रखिएगा इन्होंने जीता है 22 बार। कितनी बार, 22 बार जो है इन्होंने इसे जीता है, ये याद रखिएगा। पेनल्टी कॉर्नर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, पेनल्टी कॉर्नर जो है इसका संबंध इनमें से किस एक खेल से है, हॉकी से है, फुटबॉल से है, वॉलीबॉल से है, या बास्केट बॉल से। तो अगर मैं बात करूं पेनल्टी कॉर्नर, तो इसका जो संबंध है ये हॉकी से, किससे ये संबंध है, हॉकी से, ये याद रखिएगा, ठीक है। स्टिक इसका एक शब्द है, मतलब कई बार पूछते हैं ना गेंद में से कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है, तो बॉल, स्टिक, गोल, पेनल्टी, ये सभी हॉकी से संबंधित है, पर पेनल्टी कॉर्नर ये जरूर याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका किससे, हॉकी से संबंधित है। किक, फॉरवर्ड, डिफेंडर, ये सभी आपके फुटबॉल के, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। स्मैश, फिंगर, ये सभी वॉलीबॉल के। आगे, आप कोनेरू हम्पी का नाम किस खेल के साथ जोड़ेंगे, बास्केटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस। विद विच स्पोर्ट्स वुड यू एसोसिएट द नेम ऑफ कोनेरू हम्पी, बास्केटबॉल, शतरंज, वॉलीबॉल और टेबल टेनिस। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 33, बताओ। बहुत बढ़िया, आप कोनेरू हम्पी का नाम जो है ये किस खेल के साथ जोड़ेंगे, तो जो कोनेरू हम्पी हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, तो याद रखिएगा ये संबंधित हैं शतरंज से। ये सबसे कम उम्र की ग्रैंड मास्टर हैं, याद रखना ये ग्रैंड मास्टर हैं सबसे कम उम्र की। किस उम्र में ये ग्रैंड मास्टर बनी थी, तो याद रखिएगा 15 वर्ष में, जब ये 15 वर्ष की तभी ये ग्रैंड मास्टर बन गई है, और सबसे यंग ग्रैंड मास्टर हैं ये, तो ये याद रखिएगा। कटु वास्तविकता को दर्शाने वाला सामाजिक नाटक, कटु वास्तविकता यानी कड़वी सच्चाई दिखाने वाला सामाजिक नाटक मृक्षकटिका, या मृक्षकटिका यानी कि मिट्टी की छोटी गाड़ी, किसने लिखा, रैदास ने लिखा है, माघ ने लिखा है, कालिदास ने लिखा है, या शूद्रक ने लिखा है। हु हैज रिटन द सोशल ड्रामा मृक्षकटिका द एथर्न कार्ड, मतलब मिट्टी की छोटी गाड़ी, डिपिक्टिंग द हार्स रियलिटी, जो हार्स या कड़वा सच जो दिखाती है, जो बताती है उस समय का कड़वा सच क्या था, है ना, कौन सा किसने लिखी है ये, तो याद रखिएगा ये लिखी है आपके डी यानी कि शूद्रक ने। किसने लिखी है, ये लिखी है डी यानी कि शूद्रक ने। आप लोगों के लिए जो काम करना है आपको, वो ये कि कमेंट में कालिदास की रचनाएं लिखकर बतानी है, जो कमेंट सेक्शन है इसमें कालिदास की रचनाओं को लिखकर बताइए। निम्न में से किस जनजाति का संबंध सिक्किम से है, अंगामी, भूटिया, गोंड या चेंचू। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज रिलेटेड टू सिक्किम, इनमें से कौन सी एक ट्राइब है जिसका संबंध सिक्किम से है, जिसका संबंध कहां से है, जिसका संबंध सिक्किम से है। सिक्किम से जिसका संबंध है वो है भूटिया, जो भूटिया है इनका संबंध भूटान से है, और जो भूटान है उसके अधिकतर हिस्से मतलब उसकी जो जनजाति है उनमें से बहुत से जो हैं वो सिक्किम में भी बसे हुए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम क्या है जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, और ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1905 के समथिंग में किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने ही ये किया है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है राजा रवि वर्मा, क्या नाम है, इनका नाम है राजा रवि वर्मा,
व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस इंडियन पेंटर हु वाज ऑनर्ड विद द कैसर ए हिंद गोल्ड मेडल बाय लॉर्ड कर्जन द ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया। जो कर्जन था यह जिम्मेदार है 1905 के बंगाल विभाजन का। किसका? बंगाल विभाजन के लिए यह जिम्मेदार है 1905 के। ठीक, यह याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ऑयल पेंटिंग के लिए जाना जाता था राजा रवि वर्मा को। पद्म भूषण कुमुदिनी लाखिया एक फ्रिंदावलेंस नर्तकी है। कथक भरतनाट्यम ओडिसी मणिपुरी। पद्म भूषण कुमुदिनी लाखिया इज अ फ्रिंदावलेंस डांसर। क्वेश्चन है आपका 37। पूछ रहा है इनमें से कौन सी है। पद्म भूषण कुमुदिनी लाखिया, नाम है कुमुदिनी लाखिया, ये इनमें से किसकी डांसर है, किससे या किस नृत्य शैली से ये जुड़ी हुई है। तो अगर बात की जाए जुड़ी होने की, ये जुड़ी हुई है कथक से। कथक उत्तर प्रदेश का है, भरतनाट्यम मैंने बताया तमिलनाडु का है, ये उड़ीसा का है, ये है आपके मणिपुर का। इसका एक और नाम है और वो है क्या, कमेंट में लिखकर बताना है ना। जोंगोई है इसका नाम, पर फिर भी कमेंट में लिखकर बताओ पूरा नाम क्या है। राजकुमार सिंहजीत सिंह को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। राजकुमार सिंहजीत सिंह बाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1985 फॉर द कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म। कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम और मणिपुरी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 38। सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि मणिपुरी। जो सिंहजीत सिंह है ये किस एक से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा मणिपुरी से। इसी के लिए आपको याद रखना है 1986 जिसमें इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार। ठीक। मल्लिकार्जुन मंसूर कर्नाटक के एक भारतीय शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली के एक उत्कृष्ट गायक संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से। यह भारतीय संस्कृत शास्त्रीय गायक और ख्याल शैली इन दोनों के ही एक उत्कृष्ट गायक थे। किस घराने से यह संबंधित हैं? दरभंगा, ग्वालियर, पटियाला या जयपुर अतरौली। मल्लिकार्जुन मंसूर एन एंशियंट क्लासिकल सिंगर फ्रॉम कर्नाटका एंड एन आउटस्टैंडिंग सिंगर ऑफ ख्याल जेनर। बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास ऑफ म्यूजिक। किस घराना म्यूजिक से यह संबंधित है? याद रखिएगा यह संबंधित है जयपुर और अतरौली घराना। क्या हो जाएगा? जयपुर और अतरौली घराना, यह याद रखना। ठीक। निम्नलिखित में से किस गेंदबाज को T20 अंतरराष्ट्रीय पुरुष विश्व कप के मैच में एक ओवर में 6 छक्के लगाने पड़े थे। मतलब इनमें से कौन सा एक व्यक्ति है जिसने जिसकी बॉलिंग पर या जो गेंदबाजी कर रहा था उस पर लगातार 6 छक्के पड़ गए थे। युवराज सिंह ने मारे थे। नाम था इसका स्टुअर्ट ब्रॉड। क्या नाम? ब्रांड ब्रॉडी नाम है, स्टुअर्ट ब्रॉड नाम था इसका। इस पर जो है 6 छक्के पड़े थे, युवराज सिंह ने जड़े थे। ठीक। उनकी, युवराज सिंह जो है, इनकी आत्मकथा है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। आत्मकथा से संबंधित क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं तो याद रखिएगा। क्या नाम था? टेस्ट ऑफ माई लाइफ। 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? जो 2012 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने टोटल पदक जीते थे 6। यह क्वेश्चन आपका 20 या 21 का है, रिपीट हो सकता है, याद रखना 2012। ठीक। निम्नलिखित में से कौन द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक है? द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय, सुधा मूर्ति, किरण देसाई, झुंपा लाहिरी। Who among the following is the author of the book The Inheritance of Laws? Inheritance of Laws के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके किरण देसाई। कौन है? Inheritance of Laws पुस्तक के जो लेखक हैं ये हैं किरण देसाई, ये याद रखिएगा। God of Small Thing किसके हैं? अरुंधति राय हैं इसकी। अगर बात की जाए आपके सुधा मूर्ति की, ठीक है, तो सुधा मूर्ति की बुक कौन सी है? एक है आपकी 22 एंड अंडर 22, ठीक है। इसके अलावा इनकी एक है डॉलर बहू। क्या है? एक बुक है इनकी डॉलर बहू। अगर झुंपा लाहिरी की बात करें तो याद रखिएगा द नेम शेख।
द नेमसेक जो है इनकी बुक है, ये याद रखना। आगे, निम्नलिखित में से किसने संगीत कला प्रकाश लिखी है? इनमें से कौन वे व्यक्ति हैं जिन्होंने संगीत कला प्रकाश जो पुस्तक है ये लिखी है? पंडित अत्रे, पंडित जसराज, रामकृष्ण बबुआ बाजे और पंडित कुमार गंधर्व। किसने पुस्तक लिखी है? सब गलत हो या सही हो, पर इसका जो सही जवाब है ये है रामकृष्ण बुआ बाजे। ठीक, ये याद रखना, समझ गए? चलिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका लिट्टी चोखा। क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका लिट्टी चोखा। यह किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? मतलब कौन सा राज्य है जहां पर यह खाया जाता है और प्रसिद्ध है लिट्टी चोखा? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और उड़ीसा। लिट्टी चोखा इज अ फेमस डिश ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? किस स्टेट का है? तो याद रखिएगा ये बिहार का है। कहां का है? बिहार का। आगे, उत्तराखंड की संस्कृति के संदर्भ में कफली किसका नाम है? व्यंजन, लोक नृत्य, त्योहार या पेंटिंग की शैली? हुज नेम इज कफली इज द कंटेक्स्ट ऑफ कल्चर ऑफ उत्तराखंड। जो कफली है ये उत्तराखंड का जो कल्चर है उसका हिस्सा है। है क्या? ये व्यंजन है, लोक नृत्य है, त्योहार है या पेंटिंग की शैली है? बेसिकली ये है व्यंजन। क्या है? भोजन, व्यंजन है ये, तो ये याद रखना। आगे, गुरु हेमकुंड साहिब की छत पर उभरे हुए फिलिंदमलैंक्स के आकार में, जो उसकी छत है ना वो किस तरह के आकार में उभरा हुआ है? कमल, सूरजमुखी, गुलाब या मैरीगोल्ड? द रूफ ऑफ गुरु हेमकुंड साहिब इज इन द शेप ऑफ रेस्ट। क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा इसके लिए जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ए, यानी कि कमल। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? इनमें से कौन सा वह राज्य है जिसमें आपको तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर मिलेगा? मतलब बौद्ध मंदिर है लेकिन सोने का। सिक्किम में, कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में या तमिलनाडु में? कौन सी जगह है जहां पर यह आपको देखने को मिल जाएगा? याद रखना, तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर ये कर्नाटक, मतलब कुछ हिस्सा सोने का होगा, थोड़ा सा कुछ ना कुछ जड़ा होगा वो है। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की आत्मकथा को क्या कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है उन्होंने जो आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या है? ठीक है, हिंद स्वराज यह महात्मा गांधी की है। ठीक है, यंग इंडिया ये किसकी है और हिट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये किसकी है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। देखो, अगर इसकी तो मैं बता देता हूं, ये तो हरदयाल है। ठीक है, कहां ढूंढोगे मैं ही बता रहा हूं, ये आसान है, ये मिल भी जाएंगी। ठीक है, और ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ठीक है, देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है इनकी है अ नेशन इन द मेकिंग, अ नेशन इन द मेकिंग है इनकी, तो ये याद रखिएगा। चलो ये भी बता देता हूं, लाला लाजपत राय। छोड़ो यार, क्यों मूड मारोगे, लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे, प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ मूल रूप से फ्रिंदावलैंड भाषा में लिखा गया था। आपसे पूछ रहा है कि जो आनंद मठ है वो इनमें से किस भाषा में लिखा गया है? बंगाली, हिंदी, संस्कृत, उड़िया? द फेमस नोवेल आनंद मठ वाज ओरिजिनली रिटन इन फ्रिंदावलैंड लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में यह लिखा गया है? तो याद रखिएगा यह लिखा गया है बंगाली में। किसमें? जो आनंद मठ है यह लिखा है बंगाली में। इसी में है आपका वंदे मातरम, लिखा है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने। एक है नील दर्पण। क्या है? एक है नील दर्पण। कमेंट में लिखकर बताओ इसके जो लेखक है या इसके जो रचयिता है वो कौन है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारतीय लेखक अनुराधा राय द्वारा लिखा गया है? इनमें से कौन सा एक है जो अनुराधा रॉय द्वारा लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल वाज रिटन बाय इंडियन राइटर अनुराधा रॉय? टेल हर एवरीथिंग, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, मिडनाइट चिल्ड्रन, द एलिटिस्ट हैप्पीनेस ऑफ अदर पीपल। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 50। सही जवाब हो जाएगा आपका स्लीपिंग ऑन जुपिटर। टेल हर एवरीथिंग ये किसकी है? तो याद रखिएगा ये बहीद की है। ठीक, मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? तो याद रखिएगा ये सलमान रुश्दी की है।
द एलियट हैप्पीनेस ऑफ द पिपिन, ये किसकी है? तो याद रखिएगा ये मनु जोसेफ की है। किसकी है? मनु जोसेफ की है, ये याद रखिएगा। याद रखिएगा आपकी एक क्लास सुबह 6 बजे है करंट अफेयर की, अश्विनी सर की, इससे जुड़िएगा। एक क्लास है आपकी सुबह 11 बजे जो अभी चल रही है, इंपॉर्टेंट क्लास है, इस क्लास के साथ भी आपको जुड़ना है। एक क्लास आपकी शाम को 4 बजे है और ये है निखिल सर की। शाम को 5 बजे क्लास है हिंदी वाले सर की। रात 8 बजे क्लास है मैथ और रीजनिंग आपकी अपने अजय सर की। इन क्लासेस के साथ जुड़ना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास है। अक्सर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उन्हें आपको यहां पर कराया जाता है, जिससे कि किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको एग्जाम के समय पर ना हो। एसएससी सीजीएल के लिए आपके पास संकल्प बैच है 100% सिलेक्शन के लिए, 500 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन यहां पर मिलेंगे। सारी क्लासेस एकदम बेसिक से हैं। एसएससी मेकर ऐप पर आपको ये देखने को मिलेगी। एसएससी मेकर ऐप मिलेगा आपको गूगल प्ले स्टोर पर, और ये वो नंबर है जिस पर फोन करके आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सीआरपीएफ टेक्नीशियन और ट्रेडमैन 2023 के लिए स्पेशल बैच है 100% सिलेक्शन के लिए, 250 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो कोर्स है, क्लास नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टी, डाउट सेशन यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, श्योर सिलेक्शन बैच है सीएचएसएल के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए आपके पास स्पेशल बैच है, इसके साथ जुड़िएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल बैच है मैथ रीजनिंग हिंदी जीएस 399 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है, आपके अपने अजय सर इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे आप इन्हें एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ लिंक है जैसे ये है ऐप का लिंक, इस पर क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके प्ले स्टोर पर जाके अगर आप एसएससी मेकर सर्च करते हैं तो वहां आपको ये ऐप मिल जाएगा। यहां पर मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपके हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यहीं शेयर करते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको यहीं प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, इसे आपको शेयर करना है अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़े, उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी आपको जरूर दबाना है। पेन पेपर लेकर बैठिए, इससे पहले जितने भी एनालिसिस कराए हैं उन्हें ध्यान से देखिए, जो भी इससे पहले क्लासेस कराई गई हैं उनको भी आपको बड़े अच्छे से देखना है, तभी हो सकता है ऐसा कि आप जो एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें आप जीएस में 25 में एटलीस्ट 12-22 क्वेश्चन आप सही करके आ पाइए। तभी संभव है जब मेरी सारी क्लासेस पुरानी देखोगे, एनालिसिस देखोगे और इन क्लासेस को रेगुलर लोगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।